आज का पूरा दिन वेस्ट हो गया और हम कुछ कर भी नहीं पाए, करता भी कैसे, टाइम ही नहीं मिला। ये सवाल हर किसी के मन में जरूर आते होंगे और वो अपना पूरा दिन वेस्ट करने के बाद रात को ये सोचते होंगे कि इस काम को हम कल से जरूर करेंगे और फिर उनका ये कल कभी आता ही नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने टाइम को सही तरह से यूज कर सकते हैं और अपना पूरा दिन वेस्ट करने के बजाय कुछ नया सीख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है वेक अप अर्ली। हम सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हम 24 को 25 तो कर नहीं सकते, लेकिन हम सुबह जल्दी उठकर अपने दिन को बड़ा कर सकते हैं और अपने लिए ज्यादा टाइम निकाल सकते हैं। एक ह्यूमन बॉडी को कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद काफी होती है। बहुत से लोग जल्दी तो उठ जाते हैं पर वो पूरा दिन टाइट फील करते हैं। अगर आपको भी सुबह उठने में यह दिक्कत आती है तो आप अपने पहले वाले टाइम से 15 मिनट पहले उठ सकते हैं। मान लीजिए आप पहले 7 बजे उठते थे, आप उससे 15 मिनट पहले का अलार्म लगाकर उठ सकते हैं, फिर 15 को 30, 30 से 45, फिर 45 से 1 घंटा। ऐसे करके आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं और आपको ज्यादा स्ट्रेस भी फील नहीं होगा और आप औरों के मुकाबले जल्दी उठकर अपना वह टाइम एक्सरसाइज, बुक रीडिंग या मेडिटेशन में यूज कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट आता है गोल्स। गोल्स भी दो तरह के होते हैं, रॉन्ग वे गोल्स और राइट वे गोल्स। रॉन्ग वे गोल्स का मतलब है कि वह गोल्स जो आपको बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब उन गोल्स में कुछ मिसिंग है। राइट वे गोल्स का मतलब है अगर आपके गोल्स सही तरह से लिखे हैं तो आपके गोल्स आपको बेनिफिट देंगे और आपकी ये की गई मेहनत एक दिन आपको जरूर सक्सेसफुल इंसान बनाएगी। अब लोगों के मन में सवाल ये आता है कि हम अपने गोल्स को कब लिखें, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप अपने गोल्स को मॉर्निंग के वक्त लिख सकते हैं कि आपको पूरा दिन क्या करना है, किस काम को पहले करना है या किस काम को हम ना भी करें तो हमें कुछ ज्यादा लॉस नहीं होगा। या फिर आप रात को भी अपने गोल्स को लिख सकते हैं कि आपको कल पूरे दिन क्या क्या करना है। तो हमारा तीसरा पॉइंट आता है ब्लॉक डिस्ट्रैक्शन। फोन कॉल्स, सोशल मीडिया और मैसेज हमारे काम की कुछ बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन है। एक रिसर्च से पता चला है कि एक साल में हमारे 759 आवर सिर्फ डिस्ट्रैक्शन की वजह से ही वेस्ट हो जाते हैं। ये हमारे डिस्ट्रैक्शन ही हैं जिनकी बदौलत हम किसी 60 मिनट के काम को करने में 3 घंटे लगा देते हैं। आप इससे बचने के लिए अपने काम के वक्त फोन को स्विच ऑफ या फिर साइलेंट मोड पर लगा सकते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड का कॉल आता है तो आप उससे बोल सकते हैं कि मैं तुझे थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, अभी मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपका काम आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। और अपने काम के वक्त सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करना चाहिए। और लास्ट में बस एक ही बात बोलूंगा, एक साल की कीमत उससे पूछो जो फेल हो गया हो, एक महीने की कीमत उससे पूछो जिसकी सैलरी नहीं मिली हो, एक हफ्ते की कीमत उससे पूछो जो एक हफ्ते हॉस्पिटल में रहा हो, एक दिन की कीमत उससे पूछो जो पूरा दिन भूखा रहा हो, एक मिनट की कीमत उससे पूछो जिसकी एक मिनट पहले ट्रेन छूट गई हो, एक सेकंड की कीमत उससे पूछो जिसका एक्सीडेंट होते होते बचा हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारे चैनल थिंक एंड चेंज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर लाइफस्टाइल और करियर से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।